हरियाणा के करनाल में NH44 ITI चौक के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक टैक्सी कार कंटेनर ट्रक के नीचे जा घुसी और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार 3 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं। कार चालक की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और राहगीरों और क्रेन की मदद से कार को कंटेनर के नीचे से निकाला गया और कार में सवार सभी लोगों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए करनाल के कल्पना मेडिकल कॉलेज भेजा गया। इसके अलावा हादसे के बाद कंटेनर ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कॉलर था, कॉलर है, जो भी अपनी गाड़ी चला रही थी, जिसने बताया कि ITI फ्लाईओवर की तरफ दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हुए एक ट्रक और एक कार स्विफ्ट डिजायर व्हाइट रंग की है, जो कि हिट करके अंदर बढ़ गई है। मौके पर उसमें कम से कम 5 जने जो कि फंसे हुए हैं। मौके पे आए, काफ़ी भीड़ थी, भीड़ को चलाया, जो व्हीकल को डिवाइड कराया और उसके बाद पब्लिक और पुलिस की मदद से उन आदमियों को अमृतधारा नज़दीक जस्टिस को फॉलो करके पब्लिक आगे कहने लगे कि हम इसको अमृतधारा ले जाते हैं। तो उन्होंने वो पब्लिक अपनी गाड़ी में डाल के ले गए, जिसमें एक बच्चा, एक लेडीज, 2-3 और एक ड्राइवर है। क्या घायल हुआ है कोई? बिल्कुल, हर चीज सबको मेजर चोटें लगी हैं, जो कि ड्राइवर है जिसको सिर में चोट लगी है और गाड़ी जो कि बॉडी सेल बिल्कुल टोटल बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। और पीछे से टक्कर हुई गाड़ी? नहीं, पीछे से टक्कर नहीं है। गाड़ी एक नंबर पे जो कि एक कंटेनर है वाइट रंग का, राजस्थान का नंबर है, जो कि वो धीरे धीरे चल रहा था, अचानक पीछे से ये गाड़ी की जाए तो रफ्तार थे, जो भी राहगीरों का कहने पर बता रहे हैं कि जो कि पीछे से गाड़ी ने पीछे से हिट करी और जो गाड़ी है वो ट्रक के अंदर चली गई। बेसिकली ये जो मेंबर थे जो स्विफ्ट डिजायर में यात्रा कर रहे थे, ये बिहार के रहने वाले हैं, बैठे वो दिल्ली रह रहे थे। अपने एक परिवार का मेंबर था कि जो कि एडमिट चंडीगढ़ था, उसका हालचाल पूछने के लिए जा रहे थे, क्योंकि अचानक ये एक्सीडेंट हो गया और जिनको फर्स्ट एड दिया, मौके से जो ट्रक ड्राइवर है वो मौके से भाग गया है। अब जो कार है वो तकरीबन इतनी फंसी हुई है, हैदराबाद गाड़ी मंगाई जा रही है, क्रेन भी मंगाई है और फिलहाल तो पुलिस की माने तो रविवार देर रात कार चालक दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था। जब वो ITI चौक पर पहुंचा तो उसके आगे चल रहे कंटेनर ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे कार कंटेनर के पिछले हिस्से में जा घुसी। हादसे में कार में सवार कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल कार में सवार कोई भी व्यक्ति अभी बयान देने की हालत में नहीं है, लेकिन पुलिस परिजनों की शिकायत के आधार पर छानबीन में जुट गई है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।